नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलो देखते हैं विद्यार्थियों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था संसद के कार्य। अब संसद के कार्य टॉपिक में हमने अध्ययन कर लिया था कि विधेयक, एक तो विधि निर्माण, विधि निर्माण दो सत्रों में अलग अलग तीन तीन चरणों में हमने पढ़ लिया, ठीक है। एक साथ में हमने संयुक्त अधिवेशन भी पढ़ लिया, ओके। और नेक्स्ट राष्ट्रपति की स्वीकृति, राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये यहां तक अपना टॉपिक क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति की स्वीकृति। अब इसके आगे देखते हैं, विद्यार्थी एक चीज जानकारी के लिए बता दूं, हमारी जो संसद है यह विभिन्न जाति धर्म समुदायों के लिए लाभ बनाती है, लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं जिस जो संसद से भी बाहर है। हालांकि संपूर्ण राष्ट्र संसद के अंडर में है, लेकिन फिर भी कुछ कानून ऐसे हैं। आप कहेंगे सर ऐसा क्या बच गया जिसमें संसद कानून नहीं बना सकती? मुसलमानों, ईसाइयों के व्यक्तिगत मामलों में या इनके धार्मिक मामलों में या इनसे संबंधित कानून नहीं बना सकती संसद। इनकी पर्सनल लॉ होती है, और उसी पर, उसके आधार पर ये लागू रहता है। हालांकि अनेक बार हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट या आप ये कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय, अनेक बार हमारी सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय ने ये आगाह किया है कि सम्मान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता लागू की जाए, और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 44 44 में। कहने का मतलब क्या है कि कुछ लॉ ऐसी है, कुछ कानून, कुछ विधेयक, कुछ विधियां ऐसी बनी, ऐसी हैं जिन जो संसद से बाहर की हैं। सर संसद से बाहर, संसद से बाहर मैंने बता दिया, मुसलमानों ईसाइयों के व्यक्तिगत या धार्मिक मामलों में संसद कानून नहीं बना सकती, इनकी पर्सनल लॉ होती है। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ने कई बार आगाह किया कि संसद सम्मान नागरिक संहिता लागू करवाए। अब आप ये कहेंगे सर सम्मान नागरिक संहिता क्या है? सम्मान नागरिक संहिता, संहिता यानी कानून, मतलब नागरिकों के लिए जो कानून है वो समान होने चाहिए, असमान नहीं। ईसाइयों और मुसलमानों के लिए अलग संहिता है। हालांकि अभी तीन तलाक के ऊपर थोड़ा कानून बना है, प्रतिबंध लगा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनके मामले में संसद का दखल नहीं हो सकता, मतलब उनके व्यक्तिगत हैं और उनके व्यक्तिगत फैसले होते हैं, ठीक है। ये अनुच्छेद 44 में कहा भी गया है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अभी हम देखते हैं, आपका जो दूसरा बिंदु था, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं संसद के कार्यों में धन विधेयक पारित करना, धन विधेयक पारित करना मतलब एक अपना बिंदु है, इसको हम समझते हैं कि धन विधेयक पारित कैसे होता है। विद्यार्थियों संसद द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, हालांकि मैंने बताया था इनको हम अलग अलग टॉपिक्स, क्योंकि बड़े टॉपिक्स हैं,
इनको अलग अलग समझना होगा क्योंकि इनके एक सिंगल क्वेश्चन भी बनते हैं। साधारण विधेयक हमने समझ लिया, विधि निर्माण में साधारण विधेयक जैसे वो नया कानून बनता है। दूसरा वित्त विधेयक, जिसे धन विधेयक भी कह सकते हैं आप। और तीसरा संशोधन विधेयक। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं धन विधेयक। तो धन विधेयक के बारे में आपको थोड़ा समझा रहा हूं। पहली चीज तो यह है कि इस विधेयक के मामले में ज्यादातर शक्तियां, मैं आपको समझा देता हूं, धन विधेयक के संबंध में अधिकतर शक्तियां लोकसभा के पास है। मतलब धन विधेयक के मामले में अक्सर हमने पढ़ा है कि साधारण कानून दोनों सदन चाहेंगे तो बनेगा, नहीं नहीं बनेगा, या फिर संशोधन दोनों सदन चाहेंगे तो होगा नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आगे हम डिस्कस करेंगे संशोधन का, लेकिन धन विधेयक के मामले में एक अलग सिस्टम बना हुआ है कि सबसे पहली बात, धन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति से केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। सुनो क्या कह रहा है, धन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति से केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ये बाकी जो तो विधेयक हैं वो राज्यसभा में पेश हो सकते हैं, लोकसभा में पेश हो सकते हैं, लेकिन याद रखना धन विधेयक, देखो एक चीज समझने की बात है, अन्य जो विधेयक हैं वो पहले सदनों में पेश होते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है। लेकिन धन विधेयक की विशेषता देखो आप, ये पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेता है और उसके बाद कहां पहुंचता है, ये सदन में पहुंचता है और सदन में भी प्रतिबंधित है। ये किस सदन में जाएगा, सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा में भी जाएगा, उसकी मैं आपको समझाऊंगा। तो दो बिंदु हो गए आपके। तीसरा, धन विधेयक सदैव सरकारी विधेयक होता है, गैर सरकारी नहीं। समझो, मैंने आपको बताया था विधेयक दो प्रकार के, सरकारी और गैर सरकारी, सरकारी और गैर सरकारी। विद्यार्थियों, सरकारी विधेयक वह होता है जो किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है सदन में, और गैर सरकारी विधेयक वह होता है जो सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बताया था मैंने, तो कहने का मतलब सरकारी होता है वित्त विधेयक, धन विधेयक। अब आपको मालूम है कि वित्त मंत्री पहले से बैठा होता है और लगभग उसी के द्वारा ही सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो धन विधेयक सदैव क्या होता है, सरकारी होता है। धन विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद, धन विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में स्वीकृति के लिए जाता है। समझो क्या करें,
स्वीकृति के लिए जाता है। धन विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में स्वीकृति के लिए जाता है, परंतु राज्यसभा इसे रोक नहीं सकती। राज्यसभा मतलब धन विधेयक को रोक नहीं सकती, केवल 14 दिन की देरी कर सकती है। इसके बाद स्वतः ही स्वीकृत माना जाता है। क्या समझे? धन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति से केवल लोकसभा में पेश होता है। धन विधेयक सदैव सरकारी विधेयक होता है। धन विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा के पास जाता है, लेकिन केवल स्वीकृति के लिए। राज्यसभा 14 दिन तक उसमें देरी कर सकती है। अब वो स्वीकृत करे या न करे, करे तो अच्छी बात है, ना करे तो कोई दिक्कत नहीं। 14 दिन बाद स्वतः ही स्वीकृत समझा जाता है। ये तो गया आपका धन विधेयक, मतलब धन विधेयक के मामले में। तो अब एक चीज आप समझ गए होंगे कि सर धन विधेयक के मामले में तो शायद राज्यसभा नगण्य सी है, क्योंकि ज्यादातर शक्तियां किसको दे दी गई? लोकसभा को दे दी गई, और लोकसभा पर वित्त, मैं ये कह सकते हैं वित्त पर लोकसभा का पूर्ण नियंत्रण होता है। संविधान संशोधन विधेयक तीसरा विधेयक अपना महत्वपूर्ण विधेयक, आपको पहले समझा दिया। साधारण विधेयक हमने समझ चुके हैं। दूसरा विधेयक आपका वित्त विधेयक समझ चुके हैं। तीसरा विधेयक जो अपने आप में महत्वपूर्ण भी है, जब भी संविधान में संशोधन करना है, संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदन बराबर है। पहली चीज तो ये समझ लो, दोनों सदनों के पास बराबर शक्ति है। दोनों सदनों के पास बराबर शक्ति है। एक चीज तो यह है कि दोनों सदन इसमें पावरफुल हैं और दोनों के पास बराबर शक्ति है। संशोधन विधेयक पर कभी भी संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं होता है। एक चीज समझो, अभी मैंने बताया कि साधारण विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, और हमने पढ़ा भी है कि तीन बार 1961, 1978 और 2002 में तीन बार राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन बुलाया है और संयुक्त रूप से उसको पारित करवाया है। लेकिन विद्यार्थियों जानकारी के लिए बता दूं, संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक या का आयोजन नहीं हो सकता। अब अगला नेक्स्ट इसी में है, संशोधन विधेयक के मामले में दोनों सदनों को अलग अलग
कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित सदस्यों का या मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का दो तिहाई। समझो विद्यार्थियों क्या कह रहा है, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में दोनों सदनों के पास बराबर की शक्ति है, मतलब कोई भी एक सदन रोक सकता है, डांट सकता है, लोकसभा ने संशोधन स्वीकृत कर लिया, राज्यसभा डांट सकता है, राज्यसभा ने स्वीकृत कर लिया, लोकसभा डांट सकता है। एक बात तो यह समझ लो आप। दूसरी बात यह है, संशोधन विधेयक पर कभी भी संयुक्त बैठक, हमने साधारण विधेयक के मामले में पढ़ा था कि संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन बता दू जानकारी के लिए, संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं होती, दोनों सदनों के पास बराबर की शक्ति है, दोनों ने अलग अलग पास किया तो बनेगा अन्यथा नहीं बनेगा। संशोधन विधेयक के मामले में दोनों सदनों का अलग अलग कुल सदस्य संख्या का बहुमत, मैं समझा देता हूं, दोनों सदनों का एक तो कुल का बहुमत, एक चीज तो ये आ रही है, ठीक है, दूसरा है उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का बहुमत हो गया। तो दोनों सदनों का कुल का बहुमत, दोनों सदन जो भी हैं कुल सदस्य हैं, ठीक है, जैसे लोकसभा है तो 545, ठीक है, मतलब 1/2 + 1, ठीक है, मतलब आधा से एक अधिक, यहां है 1/2 × 245 + 1, तो ये तो है कुल का बहुमत। उपस्थित, अब कितने उपस्थित और मतदान में भाग ले रहे हैं उनका दो तिहाई, 2/3 या जो भी संख्या होगी, 2/3 या जो भी संख्या होगी। इसके अलावा विद्यार्थी एक चीज और समझा देता हूं आपको मैं, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है कि सर वो क्या है, वो ये है कि कुछ कानून जो जिसमें जो राष्ट्र हित से या संसद द्वारा या कुछ ऐसे हैं जिसमें अनेक समुदाय या प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे मामलों में संशोधन, यहां समझा देता हूं, जो अपने आप में विशेष बहुमत होता है, मतलब विशेष बहुमत बोलते हैं उसे, कुछ मामलों में दोनों सदनों से बहुमत प्राप्त होने के बाद आधे राज्यों से स्वीकृति, आधे राज्यों से मतलब आधे राज्यों के विधानमंडल, ठीक है, स्वीकृति लेनी होती है। संसद के, अब देखो जैसे मेरी बात सुनो, कहने का संसद के कुछ मामलों में दोनों सदनों से बहुमत प्राप्त होने के बाद, दोनों सदनों में बहुमत से पास हो गया, चाहे कुल का आधा हो गया चाहे उपस्थित का दो तिहाई बहुमत हो गया, उसके बाद आधे राज्यों से स्वीकृति लेनी होगी। सर आधे राज्यों से स्वीकृति, बिल्कुल आधे राज्यों से स्वीकृति लेनी होगी। सर आधे राज्यों से, जैसे
अब जैसे अपने जैसे 29 राज्य हैं, 28 राज्य हैं, तो उनका आधा, ठीक है। एक बात आप कहेंगे सर, फॉर एग्जाम्पल बताओ ऐसा कौन सा कानून है, मैं बता दूं। एक तो आपने खूब चर्चा में सुना होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल एवं सेवा कर, ठीक है। एक तो विद्यार्थियों ये 2015 का मैटर है, खूब हौला हुआ था और जीएसटी लागू नहीं, और आप आजकल देख रहे होंगे जो भी हम पर्ची बनवा करके आते हैं, माल की स्लिप लेते हैं, उसमें जीएसटी सीजीएसटी ये लगा होता है, ठीक है। तो एक तो इस मामले में बहुमत के बाद अध्यादेश स्वीकृति, दूसरा और देख लो सीएए और सीएबी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, संशोधित नागरिकता अधिनियम, सीएबी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, संशोधित नागरिकता बिल, ठीक है। इस मामले में भी आधे राज्यों की स्वीकृति लेनी पड़ी थी क्योंकि इसमें जनता ने विरोध किया था। तो विद्यार्थियों ऐसे कुछ विधेयक हैं जो उसके अलावा मतलब सदनों में बहुमत के अलावा भी इसमें वो लेना पड़ता है। तो एक चीज दो चीज समझ गए आप कि संशोधन के मामले में, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, संशोधन के मामले में दोनों सदनों को अलग अलग शक्तियां दी गई हैं, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता, कुछ मामलों में आधे राज्यों की स्वीकृति लेनी पड़ती है, उनकी स्वीकृति के बिना कानून मान्य नहीं होता, ठीक है। तो चलो साहब अगला अपना बिंदु है कार्यपालिका पर नियंत्रण के कार्य। भाई कार्यपालिका कहने का मतलब है, कार्यपालिका कौन? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, ठीक है ये। जैसे और इसके अलावा जैसे मान लो राष्ट्रपति को भी कार्यपालिका में लेते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली ये तो है ही है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। साहब कार्यपालिका पर नियंत्रण संसद, मतलब संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे करती है सर बताओ? प्रश्न पूछकर शून्यकाल ध्यानाकर्षण पर प्रस्ताव ला करके काम रोको प्रस्ताव द्वारा अब सुनो क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, ये जैसे मान लो आपकी कार्यपालिका है, एक तो प्रश्न पूछकर जब भी सदन चलता है तो वो संबंधित मामले में क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करके और संबंधित मंत्री या जो कार्यपालिका है जिस पर दबाव बनाते हो, ठीक है, कि साहब कार्यपालिका पर नियंत्रण जरूरी है, नियंत्रण में रहेगी तो काम सही होगा, नियंत्रण में नहीं रहेगी तो काम सही नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो एक तो ये कि प्रश्न पूछकर बार बार उस मामले में प्रश्न पूछा जाए कि आपने जैसे मान लो सड़क परिवहन मंत्री है, सड़क परिवहन मंत्री से बार बार प्रश्न करना कि आपने सड़कें बनवाई नहीं बनवाई, फलानी सड़क या फलाना ब्रिज अधूरा पड़ा है, उस सड़क की स्थिति यह है, मतलब उसके ऊपर दबाव बनाना। शून्यकाल, शून्यकाल में जब शून्यकाल जब होता है उस समय भी प्रश्न करना, उस समय प्रश्न किए जा सकते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला करके मतलब जो सदस्य हैं वो अपने प्रश्न पूछते हैं और उनके प्रश्न पर अगर नियुक्त हो जाते हैं मंत्रिमंडल, तो उस मामले में वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे ध्यानाकर्षण उनकी ओर ध्यान आकर्षित करें,
या उनका ध्यान अपने ओर आकर्षित कर लें, ऐसा एक सिस्टम बना हुआ है। चलो साहब, काम रोको प्रस्ताव और फिर भी नहीं माना जाए। विद्यार्थियों अगर फिर भी नहीं मान रहा है, जैसे मान लो कार्यपालिका उनकी बात अनसुनी कर रही है, तो वो क्या करते हैं, जो उनका जिसे बैल बोलते हैं या बीच की जो गैलरी है वहां करके नारे लगाने लग जाते हैं, विरोध करने लग जाते हैं कि इसका जवाब दिलाओ, संसद का जो आपका लोकसभा अध्यक्ष है तो वो, राज्यसभा है तो वो, वहां करके बैल में आकर के विरोध प्रदर्शन करना, नारे जयकारे लगाना और उनसे अपनी मांगे मनवाना या फिर उन प्रश्नों का जवाब मांगना कि साहब ये क्या कर रहे हैं आप, इसके मामले में आप अपना जवाब दें। तो प्रश्न पूछकर, शून्यकाल में ध्यानाकर्षण, ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके और काम रोको प्रस्ताव के द्वारा। अब एक चीज और रह गई आपकी, इसी में जोर समझाता हूं, कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधित ही है वो, विश्वास प्रस्ताव और दूसरा अविश्वास प्रस्ताव। दो चीज है, विश्वास प्रस्ताव ये तो लेकर के आता है प्रधानमंत्री, विश्वास प्रस्ताव तो कौन लेके आता है, प्रधानमंत्री लेके आता है कि साहब, मतलब ये प्रधानमंत्री लेके आता है और सदन में अपना विश्वास बताता है, जताता है कि साहब मेरे साथ विश्वास मत है और सभी सदस्य मंत्रिमंडल जो भी है सिस्टम है, मैं विश्वास में हूं, मेरी सरकार सही तरीके से सुचारू रूप से शासन कर रही है, किसी प्रकार की अराजकता नहीं है। एक है अविश्वास प्रस्ताव, विपक्ष लेकर आता है, कौन लेकर आता है भाई, विपक्ष लेकर आता है अविश्वास प्रस्ताव और विपक्ष प्रस्तुत करता है इसे। ध्यान रखना विद्यार्थियों, एक बार अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा एक प्रधानमंत्री को हटाया गया था और उनका नाम है वीपी सिंह। वीपी सिंह लाने को तो अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के समय में लाया गया था, लेकिन उसमें उन्होंने विश्वास मत हासिल कर लिया था, लेकिन वीपी सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वो पास हो गया बहुमत से और वीपी सिंह को पद छोड़ना पड़ा था। तो विद्यार्थियों ये हो गया आपका विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव। इसी के साथ अपना जो संसद की शक्तियां कार्य है, जो टॉपिक चल रहा था वो लगभग कंप्लीट हो गया और इसी के साथ अपना जो लेसन है वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे के लेसन के लिए फिर देखेंगे। जय हिंद।